जी हाँ, आपने ठीक पढ़ा, दिस इज नोकिया। नोकिया जो कभी स्मार्टफोन्स लॉन्च करता था, उन्होंने टीवी बनाने शुरू करे और फाइनली TWS भी लॉन्च कर दिए। मैंने आपको कहा था ना कि ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स अब अपने TWS लॉन्च कर रहे हैं, और नोकिया ने भी अपना नया TWS लॉन्च किया है, और उसका नाम है नोकिया पावर ईयरबड्स लाइट। काफी पावरफुल है, और यही रीजन है कि इसका नाम पावर ईयरबड्स लाइट रखे गए हैं। लाइट इसलिए क्योंकि काफी लाइट वेट है, एंड पावर इसलिए क्योंकि काफी पावरफुल है। अब USP ये कि 35 आवर्स का इसमें आपको प्लेबैक टाइम मिलता है, एंड दीज आर IPX7 सर्टिफाइड। Well, that's amazing. I think शायद ही कोई TW है जो कि IPX7 certified है, but these are the one. USB बताई आपको मैंने, देखते हैं अब इनका review, बताते हैं कि क्या worth it है ये, खरीदने चाहिए या नहीं। So ये TWS आज ही भारत में लॉन्च हुए हैं और आप इन्हें खरीद सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा वीडियो जरूर देखिएगा कि एक्चुअली में खरीदने चाहिए नहीं, एंड हाउ गुड आर दीज। आप देख रहे हैं टेक तक, मैं हूँ श्रुति शर्मा, एंड लेट्स रिव्यू द न्यू TWS फ्रॉम नोकिया। सो डिजाइन की बात करें तो दीज आर पॉकेट साइज एंड वेरी पावरफुल ईयरबड्स, और जो केस आप देख सकते हैं यूजुअल है लेकिन काफी कंफर्टेबल है कैरी करने के लिए। इट्स नॉट ग्लॉसी, इट्स अ मैट फिनिश एंड वेरी वेरी सॉफ्ट प्लास्टिक टू होल्ड। प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी स्टरी है, अच्छी है, इट्स नॉट एट ऑल अ चीप क्वालिटी। सो जो प्लास्टिक है इन टर्म्स ऑफ प्राइस उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। नॉर्डिक डिज़ाइन इसे बताया जा रहा है, वेरी इजी एंड वेरी कंफर्टेबल टू होल्ड, एंड द प्लास्टिक क्वालिटी वी रियली इम्प्रेस्ड विद। ओवरऑल डिज़ाइन इज़ प्रीटी डिसेंट, मैट ब्लैक एंड वाइट में आपको ये मिल जाएगा। सो ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में आपको बताया हमने, एंड येस द नेक्स्ट थिंग इज हाउ वी चेक द क्वालिटी ऑफ द हिंज। काफ़ी टैक्टाइल लगी मुझे, ये देखिए, वेरी स्टर्डी, वेरी टैक्टाइल एंड गुड क्वालिटी ईयरबड्स। ऐसा नहीं है कि थोड़े कम दाम में है तो इसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है इसी क्वालिटी पे। द प्लास्टिक क्वालिटी इज वेरी गुड एंड प्रीटी स्टर्डी एंड प्रीटी गुड क्वालिटी। और आपको बता दें कि बड्स का डिज़ाइन जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, द क्वालिटी ऑफ द बड प्लास्टिक इज ऑल्सो वेरी नाइस। तो एक बार जब आप इसे फिट कर लेंगे ठीक से अपने कानों में, they don't fall off. So this is a very nice thing. They're very comfortable. You don't feel suffocated also wearing them. तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से फिट पड़ते हैं, एंड कितने भी लंबे समय के लिए आप इन्हें पहने, यू डोंट फील सफोकेटेड एंड दे वेरी वेरी कम्फर्टेबल। दीज आर प्रीटी ईजी टू कैरी एंड कम्फर्टेबल टू होल्ड, और जैसा कि आपको बताया गुड क्वालिटी की चेक हम कैसे करते हैं देखिए। ग्राफीन ऑडियो ड्राइवर्स हैं 6mm के, जो कि काफ़ी पावरफुल हैं और काफ़ी अच्छी साउंड देते हैं, और माइक दिया गया है इसमें जो कि वो भी अच्छी क्वालिटी देता है। वहीं आपको बता दें कि ब्लूटूथ 5.0 इसमें दिया गया है, एंड चार्जिंग केस आपको 600mAh की बैटरी देता है। वहीं एक ईयरबड 50mAh की बैटरी के साथ है, जो कि 5 घंटे का आपको प्लेबैक टाइम देता है। वहीं अगर पूरा टोटल करें तो ये आपको जो TWS है 35 आवर्स का प्लेबैक टाइम देता है, विच इज़ वेरी अमेजिंग। और अभी तक आई थिंक दीज आर द ओनली TWS दैट स्टैंड सो मच ऑफ बैटरी लाइफ। और एक्चुअली में जब हमने इसे यूज़ किया तो एटलीस्ट 33-34 आवर्स ये आराम से चला। Now connecting them at the first go is fine when you connect them with the Bluetooth, लेकिन इसमें Google Fast Pairing missing है। So हर बार जब आप earbuds पहनेंगे और buds को case से निकालेंगे तो ये automatically connect नहीं होते, आपको अपने फ़ोन पर जाना पड़ेगा, Bluetooth में जाके buds का नाम search करना पड़ेगा और फिर connect करना पड़ेगा। Now this feature is missing, तो Google Fast Pairing इसमें होनी चाहिए for the ease of use of this TWS. Now coming on to the main thing of these buds, वो है इसकी परफॉर्मेंस। तो डिसेंट परफॉर्मेंस है इसकी, वी वॉन्ट एक्सपेक्टिंग कि नोकिया इतने अच्छी परफॉर्मेंसेस में दे पाएगा। आपको बता दें जो बेस है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, मिड्स लोज एंड हाइज काफ़ी बैलेंस्ड है। कुछ भी गाना हमने सुना या जो भी मूवी देखी इस पर, बिल्कुल साउंड क्लैरिटी अच्छी आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। द स्लाइट थिंग दैट आई नोटिस्ड वो है कि जब आप फुल वॉल्यूम पे ले जाएंगे कोई भी गाना, अगर आप बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे गाना सुनने के शौकीन हैं, तो वहाँ जाके थोड़ा सा शीकीनेस आपको महसूस होगी। सो दैट समथिंग इज देयर दैट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग दैट इसमें जो है ANC मिसिंग है, जो कि होनी चाहिए एट दिस प्राइस पॉइंट, क्योंकि काफ़ी सारे अब ब्रांड्स हैं जो इस प्राइस पॉइंट और इससे कम में भी आपको अब ANC दे रहे हैं, विच इज़ अ रिक्वायर्ड फीचर फॉर एनी TWS nowadays. Having said that, the mic quality is good. So when you're talking to somebody over the phone also, the sound quality काफ़ी अच्छी है, लेकिन again उसमें भी ANC, the active noise cancellation, something that we found missing here.
द कॉमिक ऑन फॉर द गेमर्स, इतनी लो लेटेंसी हमें इसे नहीं दिखी, बट इट्स डिसेंट. ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि बहुत ही खराब है, बट इट्स डिसेंट. हाँ, और बेहतर हो सकती थी, बट फॉर द गेमर्स इट कैन बी अ डिसेंट बाय. अब आपको बता दें कि इसमें टच तो दिए गए हैं, वो बहुत बेसिक है. यू नो, यू टच वंस, इट जस्ट पॉजेस, टच ट्वाइस, इट स्टॉप्स द म्यूजिक, यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स. लेकिन आपको बता दें कि जो टच है वो बहुत बेसिक देख रखे हैं, और कंट्रोल भी दिए जा सकते थे. एंड वन थिंग दैट्स अगेन मिसिंग एंड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है एक ऐप जो कि इसके साथ कनेक्टिविटी में काम करती है, और आप आसानी से उस ऐप में जाकर जो भी आपको म्यूजिक एडजस्ट करना है अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, जो कि बाकी जो ब्रांड्स हैं उसमें दिए गए हैं. तो ऐप इज समथिंग दैट शुड हैव बीन गिवन दिस TWS फॉर द बेटर एडजस्टमेंट ऑफ द म्यूजिक, कस्टमाइज करने के लिए म्यूजिक को अपने हिसाब से जो इंडिविजुअल चाहता है वैसा, तो वो ऐप इसमें नहीं दी गई है. ऑल्सो इन ईयर डिटेक्शन सेंसर भी मिसिंग है. सो यूजली जब आप TWS कान से निकालते हैं बड्स को बाहर, तो म्यूजिक जो प्ले हो रहा है वो अपने आप स्टॉप कर जाता है विद अ सेंसर रीडिंग कि आपने ईयरबड्स कान से बाहर निकाल दी है. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. सो वंस यू टेक ऑफ द बड्स ऑफ द ईयर, the music still keeps playing, जो कि नहीं होना चाहिए और pause होना चाहिए. when you wear them again, वहीं से play अपने आप हो जाता है. and again having said that, overall अगर हम quality की बात करें तो we already impressed with the quality of the product and the quality of the case and the buds also. there's no compromise on that and very very impressive design and quality of this gadget. तो अब 3599 इसकी कीमत रखी गई है ना, आर दीज वर्थ बाइंग? वेल, मैं आपको बता दूं दैट इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, क्वालिटी, परफॉर्मेंस दे वर गुड, बट हैविंग सेड दैट ये फीचर पैक्ड नहीं है, फीचर्स और इसमें होने चाहिए. एंड फर्स्ट बेसिस पे अगर कहें तो हाँ, नोकिया ने अच्छा काम किया है विद द ऑडियो सेगमेंट हियर, लॉन्चिंग द TWS, मच रिक्वायर्ड थिंग. लेकिन थोड़े से फीचर्स इसमें और ऐड होने चाहिए थे बिफोर दे कुड हैव लॉन्च्ड, और मे बी इसका अब सेकंड पार्ट जब लॉन्च करेंगे सक्सेसर तो उसमें थोड़े फीचर और दे सकते थे. सेकेंडली, यू नो देर आर ब्रांड्स, देर आर कॉम्पिटिशन्स नाउ विच आर गिविंग ANC एंड सम अदर मोर फीचर्स विच आर द बेसिक फीचर नाउ इन TWS, जो कि इसमें हमें मिसिंग लगे. और कीमत जो है इसकी 3599 रखी गई है, यानी लगभग 3600 रुपये में. काफ़ी ऐसे TWS हैं जो इससे कम पैसों में आ रहे हैं लेकिन फीचर्स ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो चीज़ हमें मिसिंग लगी. लेकिन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, ऑडियो सेगमेंट में अब नोकिया आ गया है, तो इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट TWS दैट यू लॉन्च दिस नाउ इज डिसेंट इनफ एंड दे गुड, बट ऑडियो सेगमेंट में नोकिया हैज़ टू अप द गेम टू स्टे इन द कॉम्पिटिशन. सो मे बी द नेक्स्ट TWS दैट दे लॉन्च, आई थिंक दे शुड बी फीचर पैक्ड एंड राइटली प्राइस्ड.